नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और आज हम आए हैं रीडिफाइन स्किन क्लिनिक जो कि डॉक्टर कुणाल सिन्हा का है और ये एक स्किन डॉक्टर हैं और आज हम इनसे जानेंगे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक ये कि एक्ने होता कैसे है, क्योंकि एक्ने जो है वो हर युवा जनरेशन की परेशानी है। तो आज हम डॉक्टर कुणाल सिन्हा से जानेंगे कि एक्ने का क्या ट्रीटमेंट है आसान शब्दों में। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच। मैं बिहारी न्यूज़ का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक बार फिर मौका दिया अपने चैनल पे आने का। तो सीधे मैं क्वेश्चन पे आता हूँ टाइम वेस्ट ना करते हुए। एक्ने एक टीनेज की प्रॉब्लम है, सो 80% टीनेजर्स इससे सफ़र करते हैं। और पहली बात तो ये, एक्ने कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक कंडीशन है। यूजुअली एक्ने दो चार रीज़न से होते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, जब भी हम लोग टीनेज में रहते हैं तो हार्मोनल चेंजेस के कारण, हार्मोनल जब चेंजेस होते हैं तो उसके कारण एक्ने प्रेजेंट करता है हमारे स्किन पे। दूसरा प्रोपनियो बैक्टीरियम एक्नेस करके, ये एक बैक्टीरिया है जो कि एक्ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली ये एक टीनेज की प्रॉब्लम है जो कि एक ख़ास समय के लिए रहता है और फिर समय के अनुसार धीरे धीरे वो चला भी जाता है। तो सर, आपसे दूसरा सवाल ये है कि एक्ने कितने टाइप के होते हैं, तो कि इनका कोई टाइप भी है? हाँ बिल्कुल, एक्ने के कुछ टाइप्स हैं। यूजुअली ये ग्रेडिंग होते हैं, चार ग्रेड होते हैं। ग्रेड वन में एक्ने जैसे कॉमेडोन्स को कहते हैं, कॉमेडोन्स, इसमें कॉमेडोन्स मतलब वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स दोनों आते हैं। फिर होता है पस्ट्यूलर एक्ने जिसमें पस्ट्यूल्स भी रहते हैं जैसे पस का दाना प्लस कॉमेडोन्स। और तीसरा ग्रेड थ्री होता है जिसमें नोड्यूल्स रहता है, जस्ट पैप्यूल्स और बड़े हो जाते हैं तो एक नोड्यूल्स होता है, स्किन के टर्म में हम उन्हें नोड्यूल्स बोलते हैं। तो उसमें कॉमेडोन्स, पैप्यूल्स और नोड्यूल्स दोनों रहते हैं, ठीक। और फोर्थ टाइप होता है नोडुलोसिस्टिक एक्ने जिसमें नोड्यूल्स बड़े हो जाते हैं और बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं। तो ये चार ग्रेडिंग होते हैं बेसिकली एक्ने के, कॉमेडोन्स विद पैप्यूल्स देन नोडुलोसिस्टिक एक्ने, ये यूजुअली फोर ग्रेड्स होते हैं एक्ने के। बिल्कुल। तो अगला सवाल आपसे ये है कि एक्ने कैसे रिमूव कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है वो युवा जनरेशन में कॉन्फिडेंस लेवल गिरा देता है। तो ऐसे में वो हर कोई चाहता है कि हमारा एक्ने फ्री फेस हो, पिंपल फ्री फेस हो, ताकि हमें एम्बेरसमेंट ना फील हो। तो ऐसे में क्या है, एक्ने रिमूव कैसे कर सकते हैं? एक्ने देखिए, जैसा कि मैंने कहा, ये कोई डिजीज़ कैटेगरी में नहीं आता, ये एक कंडीशन है जो कि एक ख़ास समय के लिए रहता है। और इस समय के दौरान यूजुअली 14-15 वर्ष की उम्र से ये शुरू होता है और 25 ईयर्स 25 साल की उम्र तक ये धीरे धीरे चला जाता है। इस बीच एक्ने कम या ज़्यादा हो सकता है। कोई ऐसी दवा नहीं है कि एक्ने को हम दे दें वो जड़ से चला जाए, ये कोई जड़ से जाने वाली कोई बीमारी नहीं है। हाँ, उसको हम लोग ज़रूर कम कर सकते हैं, कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो उसमें कुछ ख़ास दवाएं यूज़ होती हैं, ओरल मेडिकेशंस भी है, टॉपिकल मेडिकेशंस भी है, उनका अलग अलग टाइम है लगाने का। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका डाइजेशन क्लियर रहना चाहिए, पानी खूब पिएं, फल का सेवन करें, तला छना चीज़, मीठा चीज़ कम से कम खाएं। तो ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो एक्ने खुद ब खुद बहुत कंट्रोल में रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी लीजन्स, एक्ने के लीजन्स को दाब के फोड़ना, निकालना, बहुत लोगों ने दाब के बोलते हैं वो कि चावल के दाना की तरह निकलता है, तो वो उसका फिर कॉम्प्लिकेशन पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपरपिगमेंटेशन जो कि दाग हो जाता है, फिर स्कार्स आ जाता है, तो उससे बचना चाहिए। तो कभी भी एक्ने को फोड़ें नहीं और ज़रूर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से समय रहते इसकी सलाह लें ताकि इसका कॉम्प्लिकेशंस आपको ना हो। तो फिर अगला सवाल ये है कि एक्ने स्कार कैसे रिमूव कर सकते हैं? एक्ने स्कार रिमूव करने की बात हम तब करेंगे, सबसे अच्छा है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले ऐसा हम लोगों को करना चाहिए कि एक्ने स्कार हो ही ना, हम उस तरफ जाए ही ना। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बोला, कभी भी एक्ने के लीजन्स को फोड़े नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने के प्रॉब्लम है तो समय रहते दवा उसकी शुरू करें ताकि वो स्कार्स में कन्वर्ट ना हो। अब जब आपको स्कार्स आ ही गए हैं तो इसके कुछ ट्रीटमेंट हैं, बहुत सारे टॉपिकल मेडिकेशंस हैं जैसे
ट्रेटिनोइन के क्रीम्स और जेल्स आते हैं, ऑब्वियसली सनस्क्रीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं लाइक केमिकल पीलिंग एक्नी स्कार्स के लिए, और लेज़र्स भी हैं, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी लेज़र, जो कि एक्नी स्कार्स को कंट्रोल करने में बहुत हद तक सफल रहते हैं। तो एक्नी स्कार क्या दोनों सेम चीज़ है? नहीं, एक्ने तो बर्रे को बोलते हैं जो सिंपल एक्ने और पिंपल्स होता है। एक्ने स्कार्स जब वो जो गड्ढा आ जाता है स्किन पे, जब एक्ने फोड़ने के कारण जो गड्ढा आ जाता है उसको हम लोग एक्ने स्कार्स बोलते हैं। तो फिर एक्ने स्कार का क्या परमानेंट सॉल्यूशन है? क्या ये वापस से सही हो सकता है ये गड्ढा? एक्ने स्कार्स 60-70% हम लोग अगर समय रहते ट्रीटमेंट लेते हैं, स्कार ट्रीटमेंट जो होता है यूजुअली रीडिफाइन स्किन क्लिनिक में हम लोग एक कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें केमिकल पील्स लेज़र्स का कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो अगर समय रहते हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर डाइट और जो आपका डायरेक्शंस है डॉक्टर का वो फॉलो करें, तो यूजुअली देखा गया है 60-70% लीजन्स ज़रूर कम हो। हालांकि ये वेरिएबल है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अच्छा, तो इसका एक्ने का कोई बेस्ट क्रीम? मैडम, एक्ने में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। अब किसको कौन सा मॉलिक्यूल सूट करेगा ये कहना किसी के लिए भी डिफ़िकल्ट है। यूजुअली इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स लाइक बेंजोल परोक्साइड, ट्रेटिनोइन, क्लिंडामाइसिन, ये सब मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं एक्ने को ट्रीट करने के लिए। केमिकल पीलिंग भी यूज़ होता है। तो किस, ये बहुत सब्जेक्टिव है और हम लोग को बहुत ट्रीटमेंट को मतलब डिपेंड करता है कि ये वैरी मतलब करता है। ये है कि जब तक आप स्किन देखें नहीं, जब तक आप पेशेंट को देखें नहीं, तब तक आप बेस्ट क्रीम। बिल्कुल, क्योंकि एक्ने का ग्रेडिंग जैसे मैंने बताया वो किस ग्रेड का एक्ने है, जब तक वो ग्रेडिंग हम नहीं कर लें देख के तब तक वो ट्रीटमेंट ऐसे करना मुश्किल है। तो इसमें आप दर्शकों को क्या सलाह देंगे कि जब तक आप डर्मेटोलॉजिस्ट से ना चेकअप करवाएं तब तक कोई क्रीम यूज़ ना? बिल्कुल, क्योंकि एक्ने में बहुत सारे लोग दुकान में जाके खुद से स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम लेने लगते हैं जिससे तत्काल प्रभाव से उनका एक्ने तो कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो स्टेरॉयड क्रीम विड्रॉ करते हैं, लगाना छोड़ते हैं, तो वो एक्ने का एक रिबाउंड फिनोमेना है, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है और वो स्टेरॉयड इंड्यूस्ड एक्ने हो जाता है जिसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी खुद से एक्ने का ट्रीटमेंट ना करें, आप एक अपने निकटतम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ और उसका उपचार करवाएँ। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर किसी का होता है एक्नी को लेकर, क्योंकि घर पे वो कितना ज़्यादा क्योर कर सकते हैं एक्नी का, कैसे उसका अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं होम रेमेडीज़ में? बिल्कुल, एक्ने आप मैं तो कहता हूँ कि 50-60% या उससे ज़्यादा आप घर पे भी क्योर कर सकते हैं अगर नॉर्मल स्टेजेस में, अगर ग्रेड वन एक्ने है शुरुआती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका डाइजेशन क्लियर रहना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहे, पानी खूब पिएं और डाइट में तला छना चीज़, मीठा चीज़ कम से कम खाएं, तेल वगैरह बहुत ही ऑयली चीज़ अपने सर पे नहीं लगाएं, इससे पोर्स बंद हो जाते हैं और एक्ने के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ आप अगर नॉर्मल हल्दी का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी एक बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस है, बैक्टीरियाज को मार, बिल्कुल एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो दोनों चीज़ है। तो हल्दी यूज़ कर सकते हैं, कभी कभी मैश्ड पपाया भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो स्किन को थोड़ा क्लेंस करता है, ब्राइटनिंग में भी हेल्प करता है। साथ में कर्ड वगैरह भी आप पेस्ट बना के मिक्स करके लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डाइटरी कंट्रोल, है ना? तो खान पान से ज़्यादा इफेक्ट करे। बिल्कुल, खान पान में अगर मीठा बहुत है आप खाते हैं, बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो बिल्कुल उसको एकदम कट शॉर्ट कर दीजिए, आपको खुद ब खुद रिजल्ट दिखेगा उसका। और फेस को जितना मतलब एटलीस्ट 2 बार फेस वॉश करें, ऑयली स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश आता है, वरना जेंटल स्किन के लिए जेंटल क्लेंजर आता है, और अटली और 2-3 बार नॉर्मल पानी से भी स्प्लैश करके अपने चेहरे को धोएं। फेस को जितना क्लीन रखेंगे एक्ने डर्ट वगैरह कम रहेगा और एक्ने आने के चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल, तो एक्ने ट्रीटमेंट को लेकर हमारे साथ है डॉक्टर कुणाल सिन्हा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।